गॉड ऑफ वॉर सीरीज हम सभी गेमर्स की वन ऑफ द फेवरेट सीरीज है। अब भले ही गॉड ऑफ वॉर सीरीज एक पीएस एक्सक्लूसिव सीरीज ही क्यों ना हो, मगर पीसी गेमर्स भी इस सीरीज के दीवाने हैं, स्पेशली जब से गॉड ऑफ वॉर इस साल पीसी पर रिलीज हुआ है, जिसके बाद से पीसी गेमर्स ने भी एम्यूलेटर और यहाँ तक कि पीएस लेकर भी इसके पुराने गेम्स खेल डाले हैं। और देखते ही देखते अब रैग्नारॉक भी आ चुका है। हालांकि गॉड ऑफ वॉर की पूरी सीरीज ही शानदार है, मगर एक गेम दूसरे गेम से किसी न किसी फैक्टर में ज़्यादा बढ़िया है। और आज की इस वीडियो में मैं गॉड ऑफ वॉर के वो सारे गेम्स रैंक करने वाला हूँ जो मैंने आज तक खेले हुए हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये रैंकिंग मैं अपने इन गेम्स को खेलने के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मे बी आपकी चॉइस अलग हो सकती है, एंड दैट्स टोटली ग्रेट। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गॉड ऑफ वॉर के बहुत से गेम्स हैं और मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे ही गेम्स अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लाइक पीएस, पीएसपी और पीसी पे खेले हैं। I'm talking. बट इस वीडियो में मैं सिर्फ वही गेम्स ऐड करूंगा जिनको मैंने अच्छे से खेला है। तो इस सीरीज में मैंने खेले हैं गॉड ऑफ वॉर 1, 2, 3, असेंशन और गॉड ऑफ वॉर 4 और 2018। सो लेट्स नाउ रैंक देम। नंबर 5 में मैंने रखा है गॉड ऑफ वॉर 2, बट नो डाउट गॉड ऑफ वॉर 2 एक बहुत शानदार गेम है जिसमें एक से बढ़कर एक पजल है। ग्राफिक्स तब के टाइम के हिसाब से नेक्स्ट लेवल है और गेम प्ले भी काफी मजेदार है। इस गेम की स्टोरी हमें क्रेटोस की गॉड ऑफ वॉर 1 में एरिस को मारने के बाद के एडवेंचर पर ले जाती है, जहां हमें क्रेटोस का फुल मैस्कुलिन स्ट्रगल देखने को मिलता है। मैंने इस गेम को आज से बहुत साल पहले PS2 पर खेला था और ये गेम मेरा PS2 पे खेला हुआ वन ऑफ द बेस्ट गेम था। पर्सनली मुझे इस गेम के पजल्स काफ़ी पसंद हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव और दिमाग चलाने वाले थे। स्पेशली मुझे इसका वो गोल्डन हॉर्सेस वाला पजल बहुत ही पसंद था और उस टाइम मुझे इस गेम का ये हॉर्स पजल ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। नंबर 4 गेम मैंने रखा है गॉड ऑफ वॉर 4। अब यहाँ मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नंबर 4 और 5 को रैंक करना मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था क्योंकि मुझे ग्रीक मिथोलॉजी ज़्यादा पसंद है। बट अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले मैंने गॉड ऑफ वॉर 4 को इसी चैनल पर स्ट्रीम करा था और सही में ये गेम मुझे इतना पसंद आया कि इसको नंबर 4 में रखना बनता था। इस गेम में गॉड ऑफ वॉर के लास्ट सभी गेम के मुकाबले क्रेटोस का एक बिल्कुल ही नया रूप हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे गेम में वो अपने बेटे के साथ एक जर्नी पे है और पूरे गेम में वो फादरहुड के रोल में है जो प्रीवियस गेम से थोड़ा काल्म है। इस गेम के डायलॉग मुझे सभी गेम्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा अच्छे लगे और अगर हम इनको गौर से सुने तो हम इनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इस गेम का गेम प्ले बहुत शानदार और चैलेंजिंग है, स्पेशली लास्ट के मिशन में बहुत तगड़ा चैलेंज है और लास्ट के मिशंस में तो एनिमीज को मारते मारते मेरे हाथ में भी दर्द हो गया था। विच शोज दिस गेम इज अ रियल डील। ग्राफिक्स नो डाउट बहुत भयंकर हैं और पूरी जर्नी में बहुत ही मजा आता है। और सबसे दिल दहला देने वाली बात जो मुझे इस गेम में लगी वो थी जब क्रेटोस इसमें एक सीन में हल्का सा हंसता हुआ दिखा और ये देखकर मैं शॉक में चले गया था, OMG, क्रेटोस हंसता भी है। नंबर 3 गेम मैंने रखा है गॉड ऑफ वॉर 1। इसको नंबर 3 में रखने का मेरा रीज़न है इसके दिमाग हिला देने वाले पजल्स और चैलेंजिंग गेम प्ले। ये और चैलेंजिंग इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जिस टाइम पे ये गेम आया था तब गेम प्ले ट्यूटोरियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। तो इस गेम को कंप्लीट करने के लिए यू आर ऑन योर ओन और यू आर आउट ऑफ द गेम। और ऐसा भी नहीं था कि गेम इतना चैलेंजिंग है तो ग्राफिक्स घिसे पिटे दे दिए, ग्राफिक्स भी उस टाइम के हिसाब से नेक्स्ट लेवल थे। और PS2 के ज़माने में जिन्होंने भी इस गेम को कंप्लीट करा था उनको श्योरली रियल गेमर्स कहना चाहिए। बट या मैं इस लिस्ट में अपने को काउंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं इस गेम में बिना ट्यूटोरियल के काफ़ी आगे तक तो पहुँचा था बट इसको कभी भी पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इस गॉड ऑफ वॉर को कंप्लीट करना कोई हलवा नहीं था और बहुत से लोगों को फ्रस्ट्रेशन तक हो जाता था। स्पेशलिटी की बात करूँ तो इसका फर्स्ट मिशन वो बड़े ड्रैगन को मारने वाला और पूरा का पूरा पहला ही मिशन इस गेम में मुझे बहुत पसंद है। नंबर 2 गेम मैंने रखा है गॉड ऑफ वॉर असेंशन।
और ये गेम मेरा वन ऑफ द बेस्ट PS3 गेम भी रहा है। इस गेम का गेम प्ले मुझे सभी गॉड ऑफ वॉर गेम्स में सबसे ज़्यादा पसंद है, और हो सकता है अगर आप भी ये गेम एक बार खेल लो तो आपको भी गेम प्ले वाइज ये गॉड ऑफ वॉर का सबसे अच्छा गेम लगने लगे। बट हियर्स द कैच, बहुत से लोगों को शायद इस गेम के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक गेम के बारे में खुद एक्सीडेंटली पता चला था एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। गॉड ऑफ वॉर की पूरी सीरीज में इस गेम का गेम प्ले मेरे को सबसे ज़्यादा कूल लगता है। ग्राफिक्स मुझे इस गेम के बहुत ही प्यारे लगते हैं, और बॉसेस भी मुझे इस गेम के बहुत पसंद है जिनको मारने में बहुत ही मज़ा आता है। गेम में क्रेटोस की पावर बहुत ही ओवर पावर्ड है, और मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस गेम को दोबारा ज़रूर खेलूंगा, और हो सकता है मैं इसकी स्ट्रीम भी करूं। एंड नंबर वन गेम मैंने रखा है गॉड ऑफ वॉर 3, और मुझे ये गेम पूरी गॉड ऑफ वॉर सीरीज में सबसे ज़्यादा पसंद है। इसकी स्टोरी, गेम प्ले, पजल्स, बॉस, एवरीथिंग टॉप नॉच है। गेम में स्टार्टिंग में पोसाइडन को मारने से लेकर लास्ट में ज्यूस को फाइनली ख़त्म करने तक का सफ़र बहुत ही मज़ेदार है। एक वर्ड में कहूँ तो इसमें हमारा क्रेटोस टॉप जी था, जिसने एक ही गेम में पूरी पावर और रेज के साथ पूरी ग्रीक मिथोलॉजी ही ख़त्म कर दी। मगर इसकी तैयारी वो लास्ट के बहुत से गेम से कर रहा था, जिसमें उसने बहुत ही सेक्रीफाइस देखा एंड एट द एंड उसने इस गेम में सबको ख़त्म कर दिया जो भी उसके बदले के रास्ते में आया। पर्टिकुलरली इस गेम में क्रेटोस सबसे ज़्यादा बैडएस था, जिसको कोई भी नहीं रोक सकता था, बिकॉज ही हैव नथिंग टू लूज। और जिसने भी रोकने की कोशिश करी, हम जानते हैं उसके साथ इस गेम में क्या हुआ। गेम के पजल्स भी काफ़ी टफ और चैलेंजिंग है, और बॉसेस तो सारे ग्रीक गॉड्स ही हैं, तो मज़ा ही आ जाता है। और इस गेम में भी सेम लाइक गॉड ऑफ वॉर 4, लास्ट के मिशंस में एनिमीज को मारते मारते मेरे हाथ में दर्द हो गया था, विच शोज इट्स अ रियल जेन्युइन टॉप जी गेम। तो ये थी उन 5 गॉड ऑफ वॉर गेम की मेरी रैंकिंग जो मैंने खेले हैं। नाउ आई नो हो सकता है आप इससे एग्री ना करो, बिकॉज एवरीवन हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड दैट्स टोटली ग्रेट, बट आप अपनी रैंकिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। लेट्स सी आप कैसे गॉड ऑफ वॉर के गेम्स को रैंक करते हो। वैसे मैंने गॉड ऑफ वॉर गेम्स की एक जनरल रैंकिंग वीडियो बनाई है, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। सो गाइज, यही थी पूरी गॉड ऑफ वॉर की रैंकिंग वीडियो। आई रियली होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अब यार तुम सब्सक्राइब वाले बटन पे जूस की वो बड़ी सी तलवार घुसाओ या उस पर चट्टान फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी बुकैटी चलाने। बाय। What color is your bagay?